मोदी जी ने पॉलिटिकल कल्चर ही चेंज कर दिया। अभी आशीष शेलार जी बात कर रहे थे, देवेंद्र जी बात कर, दोनों ने विकास की बात की और दोनों ने बताया अपना रिपोर्ट कार्ड कि हमने क्या किया और क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। आपने कभी कांग्रेस के स्टेट में कभी ऐसे इस तरीके का भाषण सुना है जहां वो आके बोलते हो कि मैंने ये किया? डिविजिव पॉलिटिक्स, लोगों को डिवाइड करना और डिवीजन में वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यही वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिकल कल्चर को बदला है और आज जो कल्चर हुआ है वो डेवलपमेंट का हुआ है। उन्होंने परिवारवाद को चुना है, हमने विकासवाद को चुना है और विकासवाद में भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका। और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनकी चिंता की। साथ में ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, एक काडर बेस्ड पार्टी है और एक मास फॉलोइंग वाली पार्टी। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, कहां से चले थे कहां पहुंच गए। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका तो आइडियोलॉजिकल ग्रोथ ही नहीं हुआ था तो डाइल्यूशन क्या, वो तो खड़े ही नहीं हो पाए थे वैचारिक स्कूल। कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उठा के देख लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज परिवार की पार्टियां बन गई। और अगर रीजनल एस्पिरेशंस में भी वो खड़ी हुई, अगर डीएमके ने कभी वहां के लोकल इश्यूज को उठाने का प्रयास किया था, रीजनल एस्पिरेशंस का बात की थी, तो आज वो एक परिवार की पार्टी बन गई। कांग्रेस से टूट करके वाईएसआर कांग्रेस बनी थी, आज परिवार की पार्टी बन गई। चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राज्य समिति जो भारत राज्य समिति बन गई, परिवार की पार्टी बन गई। ये सब परिवार के, आपके यहां भी उद्धव वाली पार्टी क्या थी? परिवार की पार्टी। सभी जगह ये आप देखेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में हम किस तरह लड़ रहे हैं, 24 करोड़ का प्रदेश है, एक रीजनल पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और उसके और उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। ने देखा होगा कि अखिलेश यादव अतीत के लिए खड़े हुए, आइडियोलॉजी कहां चली गई, कहां खड़े हो गए जाकर, अपने को आईने में भी देखने में शर्म नहीं आती होगी, क्या स्थिति आकर के खड़ी। बिहार तेजस्वी लालू मीसा परिवार की पार्टी, बंगाल उठाकर देख लो, ममता भाईपो भतीजा उनका, उनकी पार्टी बन गई है। यानी आप सब जगह नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी रीजनल पार्टी धीरे धीरे परिवार की पार्टियां बनती है और वैचारिक दृष्टि से समाप्त हो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान 1953 में दिया, 53 में दिया, तो हम नारा लगाते रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे, एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। और 2019 के 6 अगस्त को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित